Subscribe Sam Chowdhury blogs to get latest informations regarding the nursing recruitments and hit the bell icon to get latest notifications of uploaded videos. So hello everyone, this is Sam Chowdhury. Welcome back to Sam Chowdhury blogs again. So guys, ये वैकेंसी निकला है राजस्थान से. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, CHO की वैकेंसी निकला है राजस्थान से. 3531 पोस्ट लिए जो है वैकेंसी निकला है. बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, CHO के 3531 एंड NM के 2558 पद जो है निकले हैं. और भी बहुत सारे वैकेंसीज है, लेकिन हम जो है स्टाफ नर्सेस के लिए CHO की वैकेंसी जो निकली है उसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे. सो मैं आपको दिखा दूंगा कितने वैकेंसी है एंड क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, सब कुछ. एंड ये आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट नेम राजस्थान NHM से निकला ही ये वैकेंसी. CHO की पोस्ट जो है टोटल 3531 है एंड एज लिमिट जो है 31 से लेकर 35 साल तक कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. एंड रिलीज हुआ है 14 अक्टूबर को, पेपर आउट हुआ है, ऑफिशियली जो है पेपर आउट हुआ है. मैं आपको दिखा दूंगा. एंड अप्लाई स्टार्ट होगा दिवाली के बाद, यानी कि दिवाली तो 24 अक्टूबर को ही, उसके बाद जो है अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा दिवाली के बाद. एंड ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा, CVT हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है. आपको बाद में जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. एंड जॉब लोकेशन जो है राजस्थान रहेगा. एंड www.raj.swasthya.nic.in इस वेबसाइट में जाकर जो है आप दिवाली के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं. इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन. एंड क्वालिफिकेशन जो है CHO के लिए GNM एंड BS नर्सिंग एंड BMS जो है पास आउट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड सैलरी बेसिक जो है 25,000 से 30,000 रहेगा. उसके बाद जो है आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है मिलेगा 15,000 से 20,000, यानी कि तकरीबन 45,000 से 50,000 आपका सैलरी रहेगा. सो देखिए, एंड ये अक्टूबर 3rd week में निकलेगा, अप्लाई स्टार्ट होगा. एंड लास्ट नवंबर 2nd week या 3rd week तक जो है इसका आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड एग्ज़ाम डेट भी जो है अनाउंस होगा नवंबर महीने में ही, एग्ज़ाम कब होगा अनाउंस कर दिया जाएगा. एंड चलिए मैं आपको ऑफिशियली जो है रिलीज हुआ है वो दिखा देता हूँ. ये देखिए, यहाँ पे रिलीज हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से, पेपर आउट हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. CHO के 3531 पदों पर होगी भर्ती. पहली बार संविदा आधारित भर्ती कराएगा कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान. ये देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये रिक्रूटमेंट कराने वाला है. एंड CHO भर्ती का रास्ता साफ, चयन बोर्ड को सौंपी जिम्मेदारी. दीपावली के बाद शुरू होगा अप्लाई. एंड यहाँ देखिए, यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है. संविदा आधारित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा असामंजस्य अब खत्म हो गया है. चिकित्सा विभाग ने अब इन भर्ती की जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया है. भर्ती 3531 पदों के लिए होगी. इसकी प्रक्रिया दीपावली के बाद शुरू होने की संभावना है. इससे पहले भी इन्हीं पदों के लिए यही भर्ती चयन बोर्ड के जरिए हो रही थी. लेकिन गाइस, ऑलरेडी क्या है कि ये पहले जो है जून महीने से ही निकल चुका था ये नोटिफिकेशन 3531 CHO वैकेंसी के लिए. लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर जो है ऑलरेडी 3 रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर रहे थे. एक्स्ट्रा और एक बर्डन जो है वो नहीं कंडक्ट कर सकते थे, इसलिए जो है ये डिले हो गया थोड़ा सा. अक्टूबर महीने में अभी जो है निकला है वो सारी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है NM एंड ऑल. अभी जो है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ये कंडक्ट करेंगे CHO वैकेंसी दीपावली के बाद. सो रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए. प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए सो दैट अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 3rd week में अक्टूबर से. सो अब अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए. राजस्थान के सारे कैंडिडेट्स जो है नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कीजिए इसके लिए. सैलरी अट्रैक्टिव है एंड पोस्टिंग भी जो है परमानेंट है. सो गाइस, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रिक्रूटमेंट के साथ. सो अभी के लिए इतना ही. सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा. एंड कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो. एंड प्रिपरेशन अभी से जो है स्टार्ट कर लीजिए.
जल्द भर्ती जो है जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।